रोडवेज से, रेलवे स्टेशन से, कचहरी से, कहीं से भी गाड़ियां गायब हो जा रही थी। पलक झपकते ही गाड़ियां गायब कर देने वाले चोर गिरोह का आखिरकार राजफास आजमगढ़ पुलिस ने कर दिया। चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि इस गिरोह का सरगना कोई और नहीं बल्कि दीवानी कचहरी का अधिवक्ता निकला। पुलिस ने गिरोह के सरगना वकील समेत कुल 16 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से चोरी व लूट की कुल 60 गाड़ियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा तमंचा व कारतूस भी मिला। इस मिशन में लगी पुलिस टीम को 10,000 रूपये पुरस्कार की घोषणा की गई है। नए साल पर पुलिस को मिली इस बड़ी सफलता की जानकारी खुद पुलिस कप्तान अजय कुमार साहनी ने मंगलवार को दी। पुलिस लाइन में गिरोह के गिरफ्तार बदमाशों को मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि वकील का गिरोह सरकारी कार्यालयों के अलावा कचहरी से भी कई गाड़ियों की चोरी करा चुका है। कई थानों की फोर्स लगी तो ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। इस दौरान कुल 16 की गिरफ्तारी हो पाई। अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक बिलरियागंज थाने के पटखौली गांव का रहने वाला है। इस छापेमारी में बुलेट, अपाचे, स्प्लेंडर सहित कुल 60 गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं। ये जनपद में वाहन चोरी की कुछ घटनाएं सामने आ रही थी और चोरी के वाहनों से कुछ अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा था। इसको संज्ञान में लेते हुए जनपद की पूरी पुलिस फोर्स ने वाहन चोरों पर लगाम कसने के लिए कार्रवाई शुरू की। इसमें निकलकर सामने आया कि दीवानी न्यायालय के एक अधिवक्ता हैं राजेश कुमार पाठक, जो जनपद में वाहनों की चोरी कराते हैं, गैंग संचालित करते हैं। इनके घर से भारी मात्रा में गाड़ियां चोरी की और लूट की बरामद की गई हैं। ये गिरफ्तार किए गए हैं और इनके साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में चाबी मिली है और कटी हुई गाड़ियां भी मिली हैं। इनको जेल भेजा जा रहा है, उसके पश्चात रिमांड लेकर हम लोग अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इनके साथ कुल 9 व्यक्ति और पकड़े गए हैं और 60 से अधिक संख्या में कुल वाहन बरामद हुए हैं। पुलिस कप्तान का कहना था कि बाइक चोरी का गिरोह आसपास के कई जिलों में घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इस अंतरजनपदीय गिरोह में शामिल अन्य बदमाशों की धरपकड़ की जाएगी। इसके लिए सरगना वकील को पुलिस रिमांड पर लेगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से बड़ी संख्या में वाहन बरामद हुए हैं इनके घर से और चाबियां बरामद हुई हैं, मिस्त्री वहां से मिले हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि ये जनपद में चोरियां करवाते हैं, न केवल अन्य स्थानों पे बल्कि कचहरी में वकीलों की भी गाड़ियां चुरवाते थे, घर पे रखते थे ताकि मैसेज ये जाए कि वकील का घर है, इसलिए पुलिस दबिश न दे, पुलिस पे प्रेशर बनी रहे। ये गिरफ्तार किए गए हैं, गाड़ियां बरामद हुई हैं, पूरे सिंडिकेट को तोड़ने के लिए रिमांड पे लेके हम लोग अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अभी हम लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं और अगर आरटीओ विभाग की संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी आईपीसी की धाराओं के। नववर्ष 2018 जनपद के समस्त जनपदवासियों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष सबके जीवन में नई खुशियां, नई समृद्धि और नई उम्मीदें लेकर के आए, ऐसी मेरी कामना। जनपद आजमगढ़ के सभी निवासियों को और मीडिया बंधुओं को नववर्ष 2018 की जनपद आजमगढ़ पुलिस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करें कि पूरा वर्ष आप लोग के लिए सफलता का वर्ष हो, खुश रहें, प्रसन्न रहें। पूरे देशवासियों को, आजमगढ़ के निवासियों को, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अल्लाह से दुआ करता हूं कि नया साल हम सब के लिए, इस इदारे के लिए, आजमगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए अच्छा हो, लोग फले फूले, अमन चैन से तरक्की करें, अमन चैन से रहें। एबीसी परिवार की तरफ से सभी नगरवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करती हूं कि यह नया साल जो सबके जीवन में आ रहा है ढेर सारी खुशियां लेकर आए। पुनः एक बार फिर एबीसी परिवार की तरफ से जनपद वासियों को नया वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों को एवं पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ष 2018 मंगलमय हो, आपके जीवन में आप यशस्वी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के सहित सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। और नव वर्ष के शुभ अवसर पर हम माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा के सभी शिक्षक बंधुओं, प्रधानाचार्यगण, बच्चों के मंगल भविष्य की कामना करेंगे और हम चाहेंगे परमपिता परमेश्वर और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करेंगे कि नया वर्ष उनके जीवन में नई खुशियां और नई सफलता लेकर आए।
न्याय के मंदिर में पैरवी करते करते वकील साहब कब अपराध के दलदल में जा गिरे पता ही नहीं चला। अधिवक्ता होने का रौबदाब भी खूब था, इसका फायदा भी उन्होंने खूब उठाया। पुलिस की छानबीन में खुलासा हुआ है कि वकील साहब अपने गिरोह के चोरों से बाइक व चारपहिया गाड़ी चोरी कराते, उसे अपने घर पर रखवा देते, इतना ही नहीं पेंटर बुलाकर इन गाड़ियों पर एडवोकेट लिखवा देते थे जिससे कि पुलिस भी टच न करे। इनके घर से चाबियों का गुच्छा बरामद हुआ, बाइक काटकर रखे गए पार्ट भी मिले हैं, यानी चोरी का लंबा चौड़ा नेटवर्क, यहां तक कि बाइकें काटकर पार्ट भी बेचे जा रहे थे। लेकिन कहते हैं एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। लोग जब सोमवार को एक दूसरे को नववर्ष मंगलमय बोल रहे थे, उसी वक्त वकील साहब और उनके 16 साथियों का मंगल पुलिस के बीच मनाया जा रहा था। पुलिस कप्तान ने बताया कि पूछताछ में अधिवक्ता का पूरा नेटवर्क सामने आया है। ये लोग इतने दुस्साहसी कि कचहरी परिसर से वकीलों की बाइक भी चुरा लेते थे, कमिश्नरी कार्यालय के कर्मचारी और पत्रकार की बाइक भी नहीं छोड़े। पुलिस अब इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाएगी, अवैध ढंग से बनाई गई संपत्ति भी जब्त होगी। इसके अलावा अधिवक्ता का बार से लाइसेंस भी कैंसिल कराया जाएगा। पुलिस कप्तान ने यह भी कहा कि आरटीओ कार्यालय के लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है, गाड़ियों का फर्जी कागज तैयार करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं, चूंकि मऊ और बाकी अन्य जनपदों के लोग यहां मिले हैं तो निश्चित रूप से आसपास के जनपदों में ही है, अंतर जनपदीय गैंग है, आगे हम लोग और भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें प्रैक्टिस करना है कि नहीं होगा साहब? अब इसके हम लोग अभी यहां पे जो बार है वहां चिट्ठी लिखेंगे बार के अध्यक्ष को कि इनको जो है निष्कासित किया जाए बार से और प्रैक्टिस करने के लिए आयोग घोषित किया जाए, और संबंधित न्यायालय में भी हम लोग पत्राचार इसके लिए करेंगे। बाकी जो इन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित करके घर बनाया है गैंगस्टर करके, उसके तहत हम लोग संपत्ति जब्तीकरण भी करेंगे इनकी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट नए साल में परवान चढ़ने जा रहा है। जी हां, द किसान सहकारी चीनी मिल सठियाओं के डिस्टिलरी प्लांट का उद्घाटन होने वाला है। मिल की इस आसवानी इकाई का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को जनपद आ रहे हैं। आसवानी प्लांट के साथ साथ वो प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को आवंटन स्वीकृत पत्र प्रदान करेंगे तो प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित करने का काम करेंगे। साथ ही साथ तमाम विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी उनके हाथों संपन्न होगा। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित आगमन का प्रोटोकॉल अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन ने समस्त तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि किसान सम्मेलन के रूप में मुख्यमंत्री की जनसभा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। संभवतः कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लगभग 122 परियोजनाओं का लोकार्पण अथवा शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित कार्यक्रम 4 तारीख का है, अभी ऑफिशियल हमें कम्युनिकेट नहीं हुआ है। उसकी तैयारी है कि जो सठियाओं में हमारी चीनी मिल बनी हुई है उसके बगल में एक डिस्टिलरी प्लांट बना हुआ है, उस प्लांट को लोकार्पण करना है। और इसी के अलावा जो जिले में बहुत सारे विकास कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें कुछ का लोकार्पण है, कुछ का शिलान्यास है। कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को जो लाभान्वित हो रहे हैं उनको भी प्रमाण पत्र और जो सहायता धनराशि वो भी वितरित की है। कुल मिलाकर के एक तरह से वो किसानों की रैली टाइप की, किसानों का सम्मेलन है, उसमें हम लोग स्टॉल भी लगा रहे हैं। सारे जो जनपद के सारे विभाग हैं, कृषि विभाग है, उद्यान है, जिला स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य का है, टीकाकरण का है, पुष्टाहार विभाग जो अति कुपोषण को दूर करने वाला जो काम है उससे संबंधित जितने भी लाभार्थी पर की योजनाएं हैं सरकार के द्वारा उन सबों का स्टॉल भी लगा करके उसका प्रदर्शन। परियोजनाएं करीब 122 के आसपास बताई गई है मुझे, जिसमें कुछ का शिलान्यास है, कुछ का लोकार्पण। आजमगढ़ के समस्त नगरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को नया वर्ष मंगलमय हो।
आप सभी नगरवासियों से अनुरोध करती हूँ नगर को स्वच्छ बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। साथ ही जिला प्रशासन को भी नव वर्ष की शुभकामना देती हूँ। आने वाला नया वर्ष सबके लिए मंगलमय साबित हो। मेरे तरफ से आप सभी नगरवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में सफलता, सौभाग्य और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। यह साल बीते हुए साल से भी ज्यादा समृद्ध हो। नया साल मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष 2018 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं युवाओं से अनुरोध करता हूं कि इस नए वर्ष पर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए अपना सर्वांगीण विकास के लिए उसके लिए कार्य करें। आजमगढ़ के तरक्की के लिए, विकास के लिए समस्त जनपद वासियों को लगना पड़ेगा और इस 2018 में हम लोग मिलजुल करके आजमगढ़ को एक स्वच्छ सुंदर आजमगढ़ बनाएं। जनपद के प्रबुद्ध नागरिकों को नया वर्ष की हार्दिक शुभकामना। नया साल आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में असीम खुशियां लेकर आए, ऐसी हमारी मंगल कामना है। नव वर्ष 2018 मंगलकारी और शुभ। हमारी पूरी टीम की तरफ से आजमगढ़ जनपद वासियों को, इस पूरे जो जनता जनार्दन है, सभी को हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों सारी बधाइयां। इस नव वर्ष एक संकल्प लेते हैं, इस नव वर्ष अपने इस जनपद को, अपने इस जिले को स्वच्छता के रैंकिंग में हम पहले नंबर पर रखने का प्रयास करेंगे। हम सभी मिलकर के इस नए साल यह संकल्प लेंगे और प्रतिबद्ध होंगे अपने जनपद को, हम सभी को मिलकर के स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी करेंगे। और गांधीगिरी टीम की तरफ से एक बार फिर पुनः हार्दिक बधाइयां, नव वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाओं। नए साल के प्रथम संपूर्ण समाधान दिवस पर काफी कुछ नया देखने को मिला। जी हां, इस बार श्रावस्ती मॉडल के तर्ज पर प्रथम संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसील सदर में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह, पुलिस अधीक्षक अजय साहनी, मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एस के तिवारी सहित जिले के समस्त विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। जो अलग रहा वह यह कि तहसील में विभाग के अधिकारियों को खोजना काफी आसान रहा। सभी के टेबल के समक्ष उनके विभाग के नाम चस्पा रहे। दूसरा यह रहा कि श्रावस्ती मॉडल के अनुरूप इस बार संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। राजस्व विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीमें बनाकर फरियादियों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें दोपहर 1 बजे के बाद ही मौके के लिए रवाना कर दिया गया। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि भूमि विवादों के आने वाले सर्वाधिक मामलों को देखते हुए उनके संपूर्ण समाधान के लिए श्रावस्ती मॉडल को अपनाया गया है। इस मॉडल के अंतर्गत थाने स्तर पर 2, तहसील स्तर पर 6 टीमें गठित की गई हैं। प्रत्येक टीम में राजस्व विभाग व पुलिस विभाग के 5-5 अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं, जो प्राप्त शिकायतों का मौके पर जाकर निस्तारण समाधान करेंगे। लेकिन आज का तहसील दिवस जो है वो अन्य तहसील दिवस से थोड़ा फर्क इसलिए है कि आज प्रत्येक थाने स्तर पर 2 टीमें बनी हुई हैं और तहसील स्तर पर 6 टीमें बनी हुई हैं। और जो श्रावस्ती मॉडल जिसको लेकर के हम लोगों ने कल बैठक की थी, उसके हिसाब से राजस्व और पुलिस के कर्मचारी आज संयुक्त रूप से जाएंगे और जिस गाँव की शिकायत है उसको लेंगे और पुरानी भी शिकायतें अगर कोई होंगी उस गाँव की लेकर के जा करके निस्तारण करेंगे। तो उसमें जितनी भी शिकायतें आई हैं सब पंजीकृत हो रही हैं और अभी 1 बजे के बाद हम टीमें निकालना प्रारंभ कर देंगे। अभी पंजीकरण चल रहा है, पंजीकरण के बाद 1 बजे के बाद हम टीमें भेजना शुरू करेंगे। आपको बता दें कि साल के प्रथम संपूर्ण समाधान दिवस पर सदर तहसील में कुल 162 मामले प्रस्तुत हुए, जिनमें से 7 मामले मौके पर निस्तारित हुए। सभी मामलों में सर्वाधिक मामले इस बार भी राजस्व विभाग से ही संबंधित रहे। प्रस्तुत 162 मामलों में से 126 मामले राजस्व विभाग से जुड़े रहे।
श्रावस्ती मॉडल के जनपद में लागू होने के बाद उम्मीद यही है कि शीघ्र ही ये सभी मामले समाधानित कर लिए जाएंगे। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी सम्मानित जनपद वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला ये वर्ष आप सभी के जीवन में खुशियां लाएं और आप अपने हर क्षेत्र में उन्नति के पद पर अग्रसर हों, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। एक बार पुनः रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी सम्मानित जनपद वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर की तरफ से मैं सभी आजमगढ़ जनपद वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस नए वर्ष पे क्यों ना हम सभी आपस में एक दूसरे के साथ ब्रिज बनाए, सेतु ना कि दीवार, जिससे कि हम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हों और हम जो उनको देना चाहते हैं बस उसको अच्छे से विश करें कि उसकी ये चीजें उसको मिले, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, खुशियों की बात हो। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो वो वाइब्रेशन हमारे पास से उनके पास जाएगा और उनका भी अच्छा होगा। किसी के लिए बुराई सोच के या बुरे ख्याल सोच के कुछ मिलने वाला, हासिल होने वाला नहीं हमें, तो क्यों ना हम आपस में एक दूसरे को जोड़ें और हम एक स्वस्थ संपन्न भारत देश के नागरिक बने। एक बार पुनः आप सभी आजमगढ़ वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे एवं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से सभी जनपद वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला वर्ष 2018 सभी के लिए सुखदायी रहेगा और हमारी ये कामना है कि हर मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहे एवं खुश रहे, क्योंकि खुशी ही सबसे स्वस्थ जीवन की आधारशिला होती है, अनमोल चीज होती है और मनुष्य को हमेशा जीवन में स्वस्थ एवं खुश रहना चाहिए। एक बार पुनः हम सभी जनपद वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला वर्ष सभी जनपद वासियों के लिए मंगलमय होगा। सभी नगर वासियों को हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी इस नए वर्ष पे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि नया वर्ष आपकी जिंदगी में नई खुशियां और नए अवसर लेके आए, जिससे आपकी आगे आने वाली वर्ष खुशियों से भरा हुआ हो। पुराने वर्ष में हम सब ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, कुछ गलत काम किए होंगे, कुछ गलतियां की होंगी और कुछ ऐसे काम किए होंगे जिससे हमारे मन को प्रसन्नता हुई होगी। इन सारी बातों से सीख लेते हुए हम ये प्रण करते हैं कि नए वर्ष में हम केवल अच्छे और अच्छे काम करेंगे, ताकि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके और हमारा आने वाला समय और वर्ष सुखमय हो। पुराने वर्ष की कुछ खट्टी मीठी यादों को अपने पलकों में सजोते हुए नए वर्ष का तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। इनर व्हील की तरफ से नव वर्ष के शुभ अवसर पे सभी नगर वासियों को एवं अपने क्लब की सभी सदस्यों को मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। बीत गया जो पल उसको भूल जाएं और नव वर्ष को नए रूप से गले लगाएं। करते हैं हम दुआ रब से सर झुका के, इस साल के सभी सपने पूरे हों आपके। पूरा इनर व्हील की तरफ से हम सभी जनपद वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। साल जरूर बदल गया लेकिन ठंड के तेवर जरा भी नहीं बदल रहे, बल्कि लग तो यही रहा है कि नए साल में नई ऊर्जा के साथ ठंड अपना कहर और बरपा रही है।
ठंड, शीतलहर व कोहरे से आम जनजीवन जहां पटरी से उतर गया है, तो वहीं पटरी पर दौड़ने वाली ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। जनपद से व जनपद से होकर गुजरने वाली सभी ट्रेनें इस समय काफी विलंब से चल रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को भारी असुविधा झेलनी पड़ रही है। सुबह से इंतजार कर रहे हैं, 6 घंटा गाड़ी लेट है और बलिया मुझको जाना है। परिवार सहित आए हैं, बहुत ठंड का सामना करना पड़ा, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सारे लोग परेशान हैं, न कहीं अलाव की व्यवस्था है, न कोई सिस्टम यहाँ पे है, काफी विलम्ब से गाड़ियाँ चल रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। मुख्य टिकट निरीक्षक अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोहरे के चलते सभी ट्रेनें विलम्ब से चल रही हैं। कैफियत 18 घंटे, आनंद विहार ट्रेन 15 घंटे लेट हो चुकी है। इसके अलावा साबरमती 6 और सरयू यमुना भी 5.5 घंटे विलम्ब से चल रही है। ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को काफी असुविधा उठानी पड़ रही है। कहना न होगा कि इस समय जो यात्री ट्रेन के अंदर हैं, वह भी परेशान हैं, जो ट्रेन के इंतजार में हैं, वह भी लाचार हैं। ट्रेनें कुहासे के कारण काफी विलंब से चल रही हैं। मैं एक तरफ से जो भी गाड़ियां हैं, मैं आपको उसका गिनती करके पूरा बता दे रहा हूँ। 19:165 साबरमती अहमदाबाद से दरभंगा को जाती है, 8:20 टाइम है, 6 घंटे विलंब से चल रही है। कैफियत 12:26 दिल्ली से आजमगढ़, 9:30 सुबह टाइम है, 18 घंटा विलंब से चल रही है। 15:026 आनंद विहार से मऊ जाती है, 5:20 टाइम है, 15 घंटा लेट चल रही है। 15:716 गरीब नवाज एक्सप्रेस अजमेर से किशनगंज को जाएगी बलिया छपरा होके, ये भी गाड़ी 3 घंटा लेट है, सुबह 11:30 टाइम है। 46:50 14:650 सरयू यमुना एक्सप्रेस अमृतसर से चलकर बलिया छपरा के रास्ते जयनगर को जाएगी, ये गाड़ी आपको 12:40 का टाइम है, 5.5 घंटा लेट चल रही है। 19:045 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस सूरत से चल के बलिया छपरा को छपरा जाएगी, आपको 14:05 टाइम है, ये भी गाड़ी 1 घंटा करीब लेट चल रही है। उसके बाद 90:46 ये आपके छपरा से सूरत जाती है, 12:40 टाइम है इसका, ये भी गाड़ी 1 घंटा विलंब से चले। गोदान एक्सप्रेस जो गोरखपुर से लोकमान्य तिलक को जाएगी, वो लगभग ठीक ठाक गई है और सुबह की पैसेंजर वगैरह ठीक ठाक चल रही है। 55:137 55:138 दोनों गाड़ी सागन से बलिया, बलिया सागन, ये ठीक ठाक चल रही है। ये अब जब तक मौसम ना ठीक हो इसमें कुछ कहना संभव नहीं है। यात्रियों को ठंड के कारण बहुत परेशानी हो रही है, गाड़ियां विलंब से आ रही हैं, उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सर्वोदय ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से आजमगढ़ जनपद वासियों और सर्वोदय परिवार के स्टाफ, अभिभावक, प्यारे बच्चों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। आने वाला नव वर्ष जो है सभी के जीवन में खुशियाँ लाए, यही शुभकामना मैं पूरे जनपद वासी और सभी प्रबंधकों को नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ कि वो अपने जीवन खुशहाल रहें और अपने संस्थाओं को आगे बढ़ाएं। पुनः सभी जनपद वासियों को नव वर्ष की बधाई देता हूँ। जीडी ग्लोबल परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी, हमारे सभी छात्रों, अभिभावकों और सभी शिक्षकों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और उमंग लाए। जीडी ग्लोबल परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष पे डालिम समूह की तरफ से सभी अभिभावक एवं सभी बच्चे तथा हमारे सभी सहयोगी विद्यालय के एवं समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। तो पूरा 2018 आप सभी लोगों के जीवन में अपार हर्ष सफलता लेकर आवे, ये हमारी हार्दिक शुभकामना। हमारे जनपद के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और जनसेवक हैं, पत्रकार बंधु हैं, जन सहयोगी हैं, आप सभी लोगों को नव वर्ष मंगलमय हो। ईशान पब्लिक स्कूल विशेज यू ऑल पीपल ऑफ आजमगढ़, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, a happy and prosperous
न्यू ईयर। आई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स, प्लीज स्पेंड योर टाइम विथ योर किड्स एंड क्रिएट प्रॉपर एनवायरनमेंट एट योर होम टू स्टडी फॉर योर किड्स। आई होप ऑल स्टूडेंट्स इन दिस ईयर दे विल मेक a promise to themselves and they will spend more and more time with their study. आप सभी नगरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष आपके व आपके बच्चों के व परिवार में सुख समृद्धि लेकर आए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बच्चों से व परिवार से प्यार करते रहें। प्यार जीवन का अनमोल रत्न है, प्यार बढ़ाने से बढ़ता है, इसे न खरीदा जा सकता है, सिर्फ बांटने से बढ़ता है। इसके साथ ही मैं आप सभी नगरवासियों को विद्यालय परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं प्यार देता हूं। जय हिंद, जय। जिला मुख्यालय स्थित नेहरू हाल सभागार में मंगलवार को चकबंदी विभाग के कर्मचारियों ने विदाई समारोह का आयोजन किया। यहां सेवानिवृत्त हो रहे चकबंदी अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह व कर्मचारी रामप्यारे यादव को भावभीनी विदाई दी गई। इसके अलावा विभाग के उन कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया जो विभागीय कार्यों को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। समारोह में चकबंदी कर्मचारी नेता प्रदीप सिंह ने संगठन की ओर से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को सम्मानित किया। कहा कि विभाग के ये कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद नई जिम्मेदारी शुरू करेंगे, हम उनके अच्छे स्वास्थ्य व अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। चकबंदी विभाग के डीडीसी आरसी यादव ने एबीसी चैनल से हुई बातचीत में समारोह के बाबत विस्तार से जानकारी दी। आज हमारे चकबंदी विभाग में दो रिटायर्ड कर्मचारी जिसमें एक सहायक चकबंदी अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह हैं और दूसरे राम प्यारे यादव चकबंदी करता हैं, इनकी सेवानिवृत्त हो गई थी, उसी का विदाई समारोह रखा गया था। और इस विदाई समारोह से हम लोगों ने जहां एक और इनके मंगल जीवन की कामना की, वहीं इसके साथ अपने विभाग के सारे कर्मचारियों को भी यह संदेश दिया कि वो सरकार की नीतियों के अनुसार कर्मठता से अपना कार्य करें और लक्ष्य को प्राप्त करें। श्रीमती सोनी देवी, यशोदा देवी, श्री सत्येंद्र चौबे व श्री विजय यादव, इन लोगों को अपने अपने पद के सापेक्ष अच्छा काम करने के लिए भी आज सम्मान। मैं रूपाली डेवलपर्स परिवार की तरफ से सभी जनपद वासियों का नववर्ष का हार्दिक बधाई अपन देते हैं और ये नववर्ष सभी जनपद वासियों के जीवन में खुशी। प्रतिभानी केतन विद्यालय परिवार की तरफ से समस्त बच्चों, अभिभावकों और जनपद वासियों को नववर्ष 2018 की हार्दिक शुभकामना। नववर्ष 2018 सबके जीवन में नए उल्लास, नए प्रकाश के साथ आए। इसी के साथ समस्त जनपद वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। स्टैंडर्ड स्कूल और राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो की तरफ से मैं शरद कुमार राय आप सभी अभिभावकों, बच्चों, नगरवासियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, अभिभावक बंधुओं को एवं शहरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। हम अपने बच्चों से कहना चाहेंगे कि आपका काम निश्चित रूप से पढ़ने का है, तो मैं ये कहूँगा कि नव वर्ष में आप संकल्प लें कि हमें अच्छे रिजल्ट आने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। हम सभी नागरिकों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और सरहद पर तैनात सर्वप्रथम तो हम नौजवान जो जवान खड़े हैं अपनी प्राण को आहुति दे रहे हैं, उनके प्रति अपनी शुभकामना देते हैं और कॉलेज के विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, सबको भी शुभकामना हमारी है नववर्ष की।
जनसेवा संचालक समिति आजमगढ़ और यहाँ के सभी वीएलई बंधुओं की तरफ से जनपद सभी जनपद वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि आने वाला साल सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए। पुनः सभी प्रशासनिक अधिकारियों और सारे कर्मचारियों को, प्रदेशवासियों, देशवासियों को जनसेवा संचालक समिति आजमगढ़ की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष 2018 समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम ये कामना करते हैं कि चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, सभी लोग अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ करते हुए देश को समृद्धशाली एवं शक्तिशाली बनाने का कार्य करें। शहर सहित जिले भर में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों वाले कई विभाग काम करते हैं, लेकिन इनका काम दिखता कम है। काम तभी दिखता है जब कोई बड़ा अफसर या जनप्रतिनिधि शहर में आने वाला हो। सिधारी मऊ रोड पर पीडब्ल्यूडी वालों का काम आजकल दिख रहा है। इस सड़क पर पिछले एक साल से बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। कई बार स्थानीय लोगों ने शिकायत की, लेकिन पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर कुछ किए ही नहीं। इसी बीच 4 जनवरी को सीएम के आने की खबर आई तो गड्ढों वाली सड़क पर पैबंद लगने लगे हैं। 4 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सठियांव चीनी मिल में आ रहे हैं। इसके पहले ही पीडब्ल्यूडी के अफसर व अभियंता सड़क ठीक कराकर सब कुछ ठीक ठाक है यही दिखाना चाहते हैं। जनता को भी लग रहा है कि चलो इसी बहाने गड्ढे भरे तो जा रहे हैं। सीएम के आगमन पर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। सुरक्षा संबंधी सभी तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने एबीसी चैनल को बताया कि हेलीपैड से लगायत सभा स्थल तक सुरक्षा के विशेष इंतजाम रहेंगे। बाहर के जिलों से भी फोर्स मंगाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 4 तारीख को संभावित प्रोग्राम है। संभावना है कि 4 तारीख को जनपद में आएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और भारी संख्या में कई योजनाओं का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है। उस संबंध में जनपद आजमगढ़ की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था हेतु संपूर्ण इंतजाम सुनिश्चित कर रही है और अभी मिनट टू मिनट सर का प्रोग्राम नहीं आया। जैसे आएगा उसके अनुरूप बाकी भी हम लोग फाइनल करेंगे। बाकी जो भी कार्रवाइयां, हेलीपैड, सुरक्षा प्रबंध, बाहर से फोर्स, पीएससी, वो सारी चीजें हमने मांग ली है। होमवर्क हो गया, हम लोग की तरफ से तैयारियां पूरी हैं।